छत्तीसगढ़ के मोहला जिले में चलाए जा रहे एंटी नक्सल मूवमेंट को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के आईजी दीपक झा और एसपी वाईपी सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नक्सलियों द्वारा लेवी के बदले में खरीदे गए महिंद्रा ट्रैक्टर को जब्त किया है। वही नक्सलियों का सहयोग करने वाले 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में राजनांदगांव का ठेकेदार, पंचायत सचिव, महिंद्रा ट्रैक्टर का एजेंट और नक्सलियों की तरफ से ट्रैक्टर का संचालन कर रहे ग्रामीण को हिरासत में लिया गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव दीपक झा और एसपी वाईपी सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि मदनवाड़ा थाना अंतर्गत नक्सलियों के बेनामी संपत्ति महिंद्रा ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। नक्सलियों द्वारा ठेकेदार से लेवी के बदले ट्रैक्टर खरीदवा कर माड़ में खेती किसानी और नक्सल मूवमेंट में इसका उपयोग किया जा रहा था। चौकी जिला पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर जो कि नक्सलियों के द्वारा लेवी के पैसे से खरीदा गया था और इस्तेमाल किया गया था, उसको जब्त करने में, उस पर कार्रवाई करने में सफलता हासिल की है। ये पूरा प्रकरण इस प्रकार का है कि काफ़ी समय से हमें जानकारी मिल रही थी कि एक ट्रैक्टर है जो कि एक अविन तुलावी नामक व्यक्ति है जिसके पास में है और जो कि नक्सलियों के द्वारा खरीदा गया, उन्हीं के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ से जो भी अर्निंग होती है वो भी उन्हीं के कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर हम लोगों ने इसको जब्त किया। जब्त करने के बाद जो दस्तावेज मांगा नहीं मिलने के पश्चात हम लोगों ने इसमें 102 से आर में जब्त किया और जब उसमें आगे जांच की गई तो बहुत सारे खुलासे हुए और मालूम ये पड़ा कि इसमें जो एक नक्सली क्षेत्रों में जो रोड बनाने का, पुल पुलिया बनाने का काम करता था एक ठेकेदार बिशन यादव, उसके द्वारा 7.5 लाख रुपये कैश जो है राजनांदगांव में जो डीलर है महिंद्रा शोरूम का उसके पास, उसके सेल्स पर्सन के पास छुड़वाया गया, जिसमें से उसने अपने खाते में लेकर के इसमें एक ट्रैक्टर लिया और इस ट्रैक्टर को गांव के सचिव मिश्राम के द्वारा जो है एक दूसरे किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे, जिसको जानकारी भी नहीं थी, सहदेव के नाम पे उसने जो है इस ट्रैक्टर को लिया। सहदेव से उन्होंने पूछताछ किया तो उसके द्वारा बताया गया कि उसको धोखे में रख करके कि बैंक में खाता खुलवाना है करके उससे दस्तावेज लिए गए, आधार कार्ड फोटोग्राफ लिए गए और उसके नाम पर लिया गया। कुल मिला के इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास ये ट्रैक्टर, बैंक के दस्तावेज, मेमोरी कार्ड, चिप्स और बहुत सारे नक्सल से संबंधित चीज़ों के बारे में जानकारी मिली है। इस पर कार्रवाई यूपीए की धारा 10, 13, 38, 40 आईपीसीबी सेक्शंस 420 और 120 भी निकली गई है। इसमें आगे विवेचना की जा रही है, जो भी जानकारी आएगी वो आपको समय पर बताया जाएगा।